इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। काला जठेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और उस पर 7 लाख का इनाम था। इस गैंगस्टर पर मकोका जैसे संगीन धाराएं भी लगाई गई। काला जठेड़ी गैंग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 हत्याओं को अंजाम दिया है। काला जठेड़ी का नाम दो महीने पहले तब सुर्खियों में आया जब उसने पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। सागर धनखड़ मर्डर में सुशील कुमार ने काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की पिटाई की थी, जिसके बाद काला जठेड़ी ने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली के मोस्ट वांटेड काला जठेड़ी की क्राइम कुंडली आपको दिखाते हैं। 12 साल से दिल्ली, हरियाणा में काला जठेड़ी एक्टिव रहा। 2009 में रोहतक में उसने पहली हत्या को अंजाम दिया और अब तक 25 हत्याओं का आरोप काला जठेड़ी पर है। रंगदारी मांगने और लूटपाट के दर्जनों केस इसके नाम है। तो गैंगस्टर कुलदीप को भी पुलिस हिरासत में से भगाने का भी इल्जाम इसी के सिर पर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी चलाता है काला जठेड़ी और दोनों गैंग में करीब 200 अपराधी काला जठेड़ी से जुड़े हुए हैं। जठेड़ी ने पहलवान सुशील को यह धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार डालेगा। सागर मर्डर केस में सोनू महाल की पिटाई के बाद यह धमकी दी गई। सुशील ने भी जठेड़ी के भांजे सोनू की पिटाई की थी। जिस रात सागर धनखड़ की पिटाई हुई थी उसी दिन की यह भी घटना है। मर्डर के आरोपी पहलवान सुशील कुमार का काला जठेड़ी से अब कनेक्शन क्या है यह भी आपको बताते हैं। पहले सुशील कुमार काला जठेड़ी दोस्त थे। काला जठेड़ी के भाई की शादी में सुशील कुमार की प्रेजेंस देखी गई थी। काला के घर शादी के वीडियो में भी सुशील कुमार दिखाई दिया था। सागर धनखड़ मर्डर के बाद सुशील को धमकी मिलने लगी। सुशील ने काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की पिटाई की। जठेड़ी ने सुशील को जान से मारने की ऐसे में धमकी दी और सुशील ने पुलिस को धमकी की बात बताई थी, जिसके बाद से काला जठेड़ी की तलाश की जा रही थी। काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा हुआ है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुमार सोनू ने स्पेशल सेल के बाहर से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने दिल्ली एनसीआर के बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है और इस वक्त स्पेशल सेल ने इसी दफ्तर में काला जठेड़ी को रखा हुआ है। हम आपको ये बता दें कि काला जठेड़ी गैंगस्टर पर 7 लाख रुपए का इनाम था और वो फरवरी 2020 में फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी के दौरान फरार हो गया था और तब से ही काला जठेड़ी की तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। हम आपको ये भी बता दें कि पहलवान सुशील कुमार, जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में इस वक्त जेल में है, काला जठेड़ी सागर धनखड़ का रिश्तेदार बताया जाता है और जब पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उस दौरान पुलिस गिरफ्त के दौरान सुशील पहलवान ने भी अपनी जान का खतरा काला जठेड़ी से बताया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि दिल्ली एनसीआर के इतने बड़े गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि जब काला जठेड़ी साल 2020 फरवरी में फरार हुआ था तो उसके बाद से उसने अपने गुर्गों के बीच में ये अफवाह फैलाई हुई थी कि वो विदेश में है और विदेश से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। काला जठेड़ी का गैंग इतना बड़ा है कि उसके गैंग में तकरीबन 200 से ज्यादा गुर्गे हैं। वहीं वो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है और इस वक्त दिल्ली की जेल में बंद है, उसके गैंग को भी वो बाहर से ही ऑपरेट कर रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।